हम हैं स्मार्ट शहर के नागरिक, क्योंकि हमारा शहर बसा है कूड़े के ढेर पर, क्योंकि हमारा शहर पड़ा है डेंगू की चपेट में, क्योंकि हमारे शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था है डेंगू की चपेट में, क्योंकि हमारे शहर की ड्रेनेज व्यवस्था है डेंगू की चपेट में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शहर में डेंगू फैलने से पहले इसका शिकार हुआ था हमारा नरक निगम, माफ कीजिएगा नगर निगम। तभी तो जनता जागरूक हुई और नगर निगम को गेट वेल सून के साथ गुलाब भेंट की। गेट वेल सून मामो। गेट वेल सून मामो। गेट वेल सून मामो। ये तो वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी ना निभा सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम्मेदार बनकर डेंगू मुक्त शहर की चाह रखे हुए हैं। जिन लोगों ने शहर को डेंगू मुक्त करने का संकल्प लिया है, उनके हौसलों को बुलंद करने पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर बखूबी साथ दे रही हैं। बाढ़ की विभीषिका हो या फिर शहर की साफ सफाई, पिछले कई दिनों से लोगों के साथ मिलकर प्रीति शेखर शहरवासियों का ख्याल रख रही हैं और गली गली घूमकर हाथ में ब्लीचिंग पाउडर और फॉगिंग मशीन लिए शहर को डेंगू मुक्त करने का प्रयास कर रही हैं। आज से एक महीने पहले से, लगभग दशहरा के समय से डेंगू ने दस्तक दिया था शहर में, और जैसे ही मरीज के बारे में पता चला और अचानक से बाढ़ के बाद अचानक से डेंगू के मरीज में बेतहाशा वृद्धि हुई। इसको लेकर हमने जिला पदाधिकारी महोदय से, नगर आयुक्त महोदया से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री से हम मिलकर उनको आवेदन दिए कि स्थिति भयावह हो रही है और हम लोग को कुछ सतर्क होने की आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा में नगर निगम से चूना ब्लीचिंग मिले, सघन फॉगिंग की जाए और केमिकल का छिड़काव किया जाए, लेकिन एक कोई सिस्टम पूरे इस डेंगू से नहीं लड़ सकता है। तो हमें बाद में लगा कि नहीं, हम सबको आगे आना चाहिए। उसी सामाजिकता के नाते हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और उस हेल्पलाइन पर शहर के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति जो फ़ोन करता है, 24 घंटे के भीतर जाकर हम उनका निदान करते हैं। जहां पर भी डेंगू मरीज है उस आसपास हम चूना ब्लीचिंग का छिड़काव करते हैं, केमिकल का छिड़काव करते हैं, फॉगिंग करवाते हैं। भागलपुर नगर निगम को लेकर आम जनता की नाराजगी का आलम यह है कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, सत्ता की कुर्सी है कोई जनाजा थोड़ी है। देखिए, सबसे पहली बात तो बोल रहे हैं कि जब से हम लोग पहले वार्ड 16 में हम लोग हैं, लेकिन जब से प्रीति शेखर इस वार्ड से दूसरे वार्ड में गई है, हम लोग यहाँ के पार्षद का चेहरा भी नहीं देखे। हम लोग नगर निगम का कुछ भी नहीं जानते हैं। जो भी कर रही है प्रीति शेखर, मृणाल शेखर कर रहे हैं, वही लोग अपने पैसा से, अपने खर्च से उन लोग सारा काम करवा रहे हैं। उससे डेंगू की चर्चा और डेंगू से बहुत सारे लोग प्रभावित होने लगे। हमने देखा विशेष तौर पे प्रीति शेखर जी जागरूक होकर के शहर में के विभिन्न जगहों पर जा कर के अपने स्तर से जो प्रयास इनसे हो सकता था, वो एक सजग महिला के रूप में उन्होंने काम किया, जिसमें किसी भी प्रकार का न कोई उनका निहित स्वार्थ, न राजनीतिक स्वार्थ, इससे अलग हटके वो काम किए। पर जनता की उम्मीद को सहारा देने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में डेंगू की भयावह स्थिति को देखते हुए और साफ सफाई को लेकर डॉक्टर प्रीति शेखर ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है, ताकि लोग अपनी समस्या बता सके और वक्त रहते ही डेंगू के डंक से बचा जा सके। जिस तरह से डॉक्टर प्रीति शेखर ने भागलपुर को बचाना है, डेंगू को हराना है का संकल्प लेकर दिन रात शहरवासियों की सेवा कर रही हैं, इससे तो यही लगता है कि भागलपुर नगर निगम की नैया का पतवार सिर्फ प्रीति शेखर ही हैं। लेकिन जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, वैसे ही पूरे शहर को डेंगू मुक्त करने आमजनों की भी भागीदारी उतनी ही जरूरी है।